दिल्ली में आईटीओ के पास बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। नोएडा से बड़ी खबर, सेक्टर 63 में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप। पुलिस से ली जानकारी, जिला एम्स अस्पताल के पास सड़क पर संदिग्ध बम होने की मिली सूचना। संदिग्ध वस्तु की खबर से इलाके में हड़कंप, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। जांच के लिए पहुंचा बम निरोधक दस्ता, बम को निष्क्रिय करने की कोशिश जारी। कर्नाटक के शिमोगा में जबरदस्त धमाका, 8 लोगों की गई जान। हनासुदू गांव में रेलवे क्रशर साइट पर धमाका, दूर तक महसूस किए गए झटके। देर रात हुआ था धमाका, धमाका एक ट्रक के पास, वजह अब तक साफ नहीं, विस्फोटक ट्रक के अंदर था या बाहर। आसपास के इलाकों में सुनी गई धमाके की आवाज, कई घरों में शीशे टूटे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरे इलाके की घेराबंदी। शिमोगा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया अफसोस, पीड़ित परिवारों के लिए जताई संवेदना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया ट्वीट, उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। मुंबई में पार्किंग एरिया में भीषण अग्निकांड, 2 बसें और 1 कार जलकर खाक। अंबाला में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर धराशायी, मलबे में दबने से मजदूर की मौत। तेलंगाना के नालगोंडा में टेम्पो को ट्रक ने रौंदा, 6 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा, विजिबिलिटी 500 मीटर तक। मौसम विभाग का अनुमान, 3 से 4 दिन तक रहेगा कोहरे का कहर। दिल्ली में आज भी कड़ाके की सर्दी, सुबह का तापमान 6.8 डिग्री। बिहार के सुपौल में घने कोहरे की वजह से हादसा, गड्ढे में जा गिरी बस। पटना से पूर्णिया जा रही थी बस, 6 लोग घायल। पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट की इमारत में भीषण अग्निकांड, 5 की झुलसकर मौत। इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल में भड़की आग, काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की ली गई मदद। आग लगने से सेरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन के निर्माण पर असर, घटना वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर है कोविशील्ड की यूनिट। आदर पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी, वैक्सीन के सुरक्षित होने की जानकारी दी गई। अग्निकांड वाली जगह हो रहा था बीसीजी के टीके का निर्माण। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला से की बात, आज घटनास्थल का करेंगे दौरा। पीएम मोदी ने अग्निकांड पर जताया अफसोस, ट्वीट कर घायलों के जल्द ठीक होने की जताई उम्मीद। डिप्टी सीएम अजीत पवार रात को घटनास्थल पहुंचे, कंपनी के अधिकारियों से ली नुकसान की जानकारी। मरने वालों के परिवारों के लिए सेरम इंस्टीट्यूट के लिए मदद का ऐलान, कंपनी देगी 25-25 लाख रुपए का मुआवजा। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का आज से एक्सपोर्ट शुरू करेगा भारत, ब्राजील और मोरक्को को होगी पहली सप्लाई। पड़ोसी देश को गिफ्ट के तौर पर दी जा रही है वैक्सीन, नेपाल भेजी गई 10 लाख डोज। प्रयागराज के आयुष्मान योजना को लेकर 2 अस्पतालों में फर्जीवाड़े का खुलासा, जुर्माने के साथ एफआईआर का आदेश। सासाराम में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान जेसीबी मशीन पर भरभराकर गिर गया अवैध मकान। अकोला में वाइन बार से चोरों ने पार की 1.5 लाख की शराब, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चित्रकूट में डबल मर्डर की सनसनी, जंगल में मिली महिला की लाश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या, आरोपी नौकर गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का पथराव, कई पुलिसकर्मी जख्मी। जोधपुर में संपत्ति विवाद को लेकर गुटों में फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। देवरिया में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। जलौर के युवक की गुजरात में हत्या, बेरहमी से पिटाई के बाद कत्ल से पहले मांगी थी फिरौती। पटना के मनेर में टेम्पो और ट्रक में जोरदार टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। बांग्लादेश को भी भेजी गई वैक्सीन की 20 लाख डोज, पहले चरण में भूटान और मालदीव को दी गई थी वैक्सीन। म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को मिलेगा भारत का वैक्सीन गिफ्ट, मुफ्त में होंगी लाखों डोज सप्लाई।
आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा दूसरे दौर का वैक्सीनेशन, संघ नेता इंद्रेश कुमार रहेंगे मौजूद। वाराणसी में टीका लगवाने वालों से अनुभव साझा करेंगे पीएम, दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी चर्चा। वैक्सीन को लेकर खत्म नहीं हो रही सियासत, कांग्रेस ने पीएम मोदी से टीका लगवाने की मांग की। अखिलेश यादव ने दोहराया पुराना राग, कहा 1 साल बाद अपनी सरकार बनने पर लगवाएंगे वैक्सीन। यूपी में दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आज, 1 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर सियासत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा लोगों से अफवाहों पर यकीन न करें। पहली बार त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों को लगी वैक्सीन, 100 लोगों को लगा टीका। मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीका लेने वालों की संख्या आधी, प्रशासन ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। दुर्गापुर में टीका लगने के बाद 3 स्वास्थ्यकर्मियों की तबियत बिगड़ी, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे लोग, 3 दिन में टीके के बाद 27 डोज बर्बाद। अब तक देश में करीब 10 लाख लोगों को दिया गया कोरोना टीका, कल राजस्थान में टीके के बाद 1 शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में चला वैक्सीनेशन अभियान, गुरुवार को 138 जवानों को लगा टीका। दिल्ली में गुरुवार को वैक्सीनेशन की दर 73% रही, 1 दिन में पहली बार 5,000 से पार हुआ टीकाकरण का आंकड़ा। आज असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे पीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, चुनावी राज्यों में रणनीति पर होगा मंथन। यूपी के लोक निर्माण विभाग के फरमान पर उठा विवाद, राम मंदिर निर्माण के लिए 1 दिन का वेतन देने का आदेश। अयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर की खुदाई का काम, कार्यकर्ताओं में उत्साह। रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती लालू यादव की तबियत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ। जहां का तहां पहुंचा किसान आंदोलन, सरकार का प्रस्ताव किसान नेताओं ने किया खारिज। सरकार ने दिया कानून को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव, तब तक के लिए दी आंदोलन खत्म करने की अपील। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की थी बैठक, घंटों के मंथन के बाद सरकार का ऑफर किया खारिज। तीनों कानून को खारिज करने की मांग पर अड़े किसान, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग। तीनों कानून रापील और उसके साथ अपने एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून और खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जावे। आज फिर से सरकार के साथ बैठक करेंगे किसान, दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे होगी 11वें दौर की चर्चा। बुधवार को 10वें दौर की बैठक में कृषि मंत्री ने जताई समाधान की उम्मीद, किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव को बताया था सकारात्मक। 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड पर बरकरार है उलझन, दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में नहीं बनी कोई सहमति। कल पुलिस के साथ 3रे दौर की बातचीत रही नाकाम, केएमपी एक्सप्रेसवे पर परेड निकालने का प्रस्ताव किसानों ने ठुकराया। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 55 किलोमीटर की परेड निकालने पर अड़े हैं किसान, पुलिस के साथ आज भी होगी संयुक्त मोर्चे की बैठक। 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को, अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया। किसानों के 26 जनवरी के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस सतर्क, सभी सीनियर अफसरों की छुट्टियां रद्द। पंजाब के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे बड़ी तादाद में ट्रैक्टर, फरीदकोट में किसानों ने की परेड की रिहर्सल। रेवाड़ी में किसानों ने की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल, INLD नेता अभय चौटाला हुए शामिल। संभल में किसान सड़क पर लाठियां घुमाते हुए निकाल चुके हैं ट्रैक्टर परेड, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। मुजफ्फरनगर में किसानों ने की परेड की रिहर्सल, दिल्ली देहरादून हाईवे पर उतरे सैकड़ों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर परेड के लिए उड़ीसा के लिए दिल्ली जा रहे किसानों को कानपुर में पुलिस ने रोका, कई घंटों तक चली नोकझोंक। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच हुआ कबड्डी मैच, कई जाने माने खिलाड़ी हुए शामिल। किसानों की ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं दंगा निरोधक ड्रोन। सुप्रीम कोर्ट कमेटी कल 10 किसान संगठनों के साथ रायशुमारी करेगी, 27 जनवरी को होगी अगली बैठक। मोदी सरकार प्रदेश ने फिर लगाई मोहर, इंडिया टुडे ग्रुप और कार्वी इनसाइट के सर्वे में 74% लोगों ने पीएम को सराहा। 38% लोगों ने नरेंद्र मोदी को माना अब तक का सबसे बेहतर पीएम, 18% वोट के साथ दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। आज चुनाव हो तो बीजेपी अकेले दम पर बना सकती है सरकार, सर्वे में मिली 291 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 51।
आज चुनाव होने की स्थिति में एनडीए को मिलेगी 321 सीटें, लोकसभा चुनाव में से 32 सीटों का नुकसान। कोरोना की चुनौतियों से निपटने में 73% लोगों ने पीएम की कोशिश को सराहा, 18% ने बताया औसत। सर्वे में 76% लोगों ने वैक्सीन लगवाने पर भरी हामी, 92% ने कहा फ्री मिलना चाहिए टीका। कृषि कानून में 55% लोगों ने की सुधार की मांग, 28% लोगों ने की नए कानून वापस करने की मांग। किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के रुख को 55% लोगों ने सराहा, 25% ने कहा संतोषजनक। बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद कानून से ज्यादातर लोगों की सहमति, 58% लोगों ने की कानून की वकालत। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस के अस्तित्व पर 52% लोगों को यकीन, गैर गांधी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को 27% लोगों ने माना सबसे बेहतर कांग्रेस। बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पीएम का दौरा। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही केंद्र सरकार, कल कोलकाता में पीएम करेंगे आईएनए के फौजियों को सम्मानित। नेताजी की 125वीं जयंती पर देश भर में होंगे कार्यक्रम, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया सियासी दांव। नेताजी के कार्यक्रम पर बंगाल सरकार का अलग कार्यक्रम, ममता मनाएंगी देश नायक दिवस। गुरुवार को कोलकाता पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त से बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात, तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। डाल पाएंगे या नहीं पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं, क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने उठाया बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा, कहा वोटर लिस्ट में 10% फर्जी नाम। चुनाव आयोग से मुलाकात में टीएमसी का बीएसएफ पर गंभीर आरोप, कहा सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी को वोट करने का दबाव डाल रहे केंद्रीय बल। टीएमसी के आरोपों को बीएसएफ ने नकारा, कहा बिना किसी राजनीतिक झुकाव के कर रहे हैं ड्यूटी। बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भड़के अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे ने भेजा बिना शर्त माफी मांगने का नोटिस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।